आपकी बहन धंधा करती है? ये क्या बोल रहा है तू? क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं, तू स्कूल जा, जा जल्दी अंदर, जल्दी जा, रुक। ये क्या बोल रहा था तू? तू मेरी बहन के बारे में इतनी गंदी बॉडी यूज कर रहा है? अरे दीदी आप मार क्यों रही हो? तू वही लड़का तो नहीं है जो दिनों से मेरी बहन के पीछे पड़ा हुआ है? इसने रिजेक्ट कर दिया होगा तेरा प्रपोजल, तो तूने उसके बारे में गंदी गंदी अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। अरे दीदी आप क्या बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसा है फिर? मैं बोला उसके पीछे क्यों पड़ूंगा, मैं आपको बताता हूँ। बोला लड़कों को फंसाती है और वन बाई वन उनके साथ होटल पे जाती है और उनसे ना पैसे लेती है, इसलिए मैं आपको बता रहा था। देख तेरी ना जुबान खींच लूंगी मैं, अब ज्यादा बकवास मत कर, कुछ भी बोलने जा रहा है। तुझे पता भी मेरी बहन ऐसी ना घटिया लड़की नहीं है और ना ही उन लड़कियों में से जो पैसों के लिए कुछ भी करेगी। दीदी आपको ऐसा लगता है लेकिन ऐसा है नहीं, अगर आपको मेरी बातों का भरोसा नहीं है ना मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए मेरे साथ। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना तो तुझे स्कूल से तो धक्के मार के निकलवाऊंगी। इस पूरे शहर में ना किसी स्कूल में तो एडमिशन नहीं ले पाएगा। चलिए चले। दीदी गई मेरी? अरे कोई दीदी नहीं है, वो तो कब की गई, चल बैठ। पक्का गई ना? अरे तू मेरा विश्वास रख और देख टाइम वेस्ट मत कर, मैंने रूम बुक कर लिया है 500 रुपए वाला, जल्दी बैठ। अरे यार आज रहने दे, मुझे ना पता नहीं अजीब सा लग रहा है आज, दीदी ना बहुत अजीब सा बिहेव कर रही थी तो मुझे ना डर लग रहा है कहीं उन्हें शक ना हो गया हो। देख मूड खराब मत कर, मैं पूरी प्लानिंग के साथ आया हूँ, चल जल्दी बैठ। पर दीदी आ गई तो? अरे नहीं आएंगी, मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरी बात का भरोसा कर, जल्दी बैठ। दीदी आप? अच्छा तो ये है तेरा स्कूल, कौन सी क्लास में खेल रही है तू यहाँ पर? तुझे तो मैंने स्कूल के बाहर छोड़ा था ना, स्कूल के गेट पे छोड़ के आई थी ना, ये टोयो में कैसे पहुँच गए तू? दीदी वो मैंने बेहोश हो गई थी। और अच्छा तो तू बेहोश हो गई थी तो तू सीधे होटल रूम में आ गई डॉक्टर के यहाँ जाने की वजह? नहीं वो, और ये कौन है, कौन है ये? फ्रेंड है मेरा। ये फ्रेंड है और इसके संग में तू रूम में क्या कर रही थी? दीदी वो आप गलत समझ रही हूँ। मैं गलत नहीं, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ, मुझे इस लड़के ने सब कुछ सच बता दिया है, समझी तू? अब ना बकवास करना बंद कर, तू ना ये बता कि कब से चल रहा है? दीदी पर ऐसा कुछ है ही नहीं, ये झूठ बोल रहा है दीदी, बोले जा रही है झूठ पे झूठ बोले जा रही है, सच बता कब से चल रहा है? 3 महीने से। ये ना मेरे को पैसे देता था और आप मेरे को किसी भी चीज के लिए पैसे देती नहीं थी, मैं मांगती थी तो आप मुझसे सवाल जवाब करके मना कर देती नहीं, तो इसलिए मेरे पास कर्जे के लिए कुछ होता नहीं था, तो इसने बोला तो मैंने हाँ कर दिया। तो पैसों के लिए इतना गिर गई तो कुछ नहीं करेगी, शर्म आनी चाहिए तेरे को। मैं मम्मी पापा का फर्ज निभा रही हूँ क्योंकि उनका साया हमारे पैसे उठ चुका है बचपन में ही, और तू क्या कर रही है? तू ये सब कर रही है चंद पैसों के लिए? अरे घर का खर्चा, तेरी पढ़ाई का खर्चा, तेरे ट्यूशन का खर्चा, तेरे रहन सहन का खर्चा सब मैं अकेले उठा रही हूँ, और तेरी वजह से आज तक मैंने शादी भी नहीं करी क्योंकि मुझे सिर्फ ये लगता रहा कि पता नहीं मेरा पार्टनर कैसा आएगा जो मेरी बहन को मेरे बराबर प्यार दे पाएगा कि नहीं। और तू क्या कर रही है इन आवारा लड़कों के संग में कमरे के अंदर? छी मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। दीदी आप ना ज्यादा ना बोली बंद बनो, आप ना इतनी भी अच्छी नहीं हो जितना आप यहाँ पे सबके सामने दिखाने की कोशिश कर रहे हो। आपने हमेशा मेरे साथ में भेदभाव किया है, आप पहले अपना देखती हो उसके बाद में मेरा देखती हो, और यही तो है आपका ना फर्ज है मेरे खर्चे उठाना क्योंकि मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है, पर आप सिर्फ और सिर्फ हर वक्त जताती रहती हो, एहसास दिखाती हो मेरे ऊपर, मुझे दबाने की कोशिश करती हो। अच्छा मेरा फर्ज है तेरे खर्चे उठाना, तेरी देखभाल करना क्योंकि माँ बाप का साया हमारे ऊपर नहीं है, पर तूने कभी ये सोचा है मेरा ध्यान कौन रखेगा, वो किसका फर्ज है? तू इतनी सेल्फिश हो गई है ना कि तुझे सिर्फ तू दिखाई दे रही है, कोई और दिखाई नहीं दे रहा तेरे को अपनी सेल्फिशनेस के आगे। ओ, जब ना बहन बंधन ना घर करना। बे तू ना चुप रह समझा, तेरी पूरी कुंडली निकाल के लेके आई हूँ मैं, ये ना लड़कियों के संग में ना इसी तरीके से करता है, इसी ने भड़का है ना तेरे को हमारे खिलाफ, है ना, इसी ने भड़का रखा है, मुझे सब पता है। तू ना अब तू देख सच्चाई ना मैं इसके मुंह से बखान करवाती हूँ, तो खुद बताएगा
या फिर मैं अभी पुलिस को बुलाऊं? क्या करता है तू? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं बताती हूँ क्या करता है। तेरा आवारों की तरह ना स्प्लेंडर पे ना घूमता रहता है लड़कियों के आर पार, उसके बाद में ना लड़कियों के संग में गलत काम करता है, उनकी वीडियोस बनाता है, उन वीडियोस को मार्केट में जाके सेल करता है, यहाँ तक कि उन लड़कियों को ब्लैकमेल करता है। इसकी वजह से ना कुछ लड़कियों ने स्कूल आना छोड़ दिया। तो पैसा देता हूँ मैं, फ्री में कोई काम नहीं करता हूँ, ठीक है? समझ गई, तेरी वजह से ना आज मुझे इस रोड छाप लड़के की ना बातें सुननी पड़ रही है, क्योंकि कमी मेरी बहन के अंदर है। तुझे मुझे नहीं पता था, मुझे मुझे इसने ये सब नहीं बताया था, इसने बोला था कि ये मेरे से बहुत प्यार करता है। फोन निकाल अपना, फोन निकाल। लॉक खोल। ये देख तेरी वीडियोस, तुझे लगता ना तुझसे प्यार करता है? ये इसका प्यार? ये डाटा तूने कहीं और तो नहीं दिया? सच बोल। नहीं, देने वाला था मैं। तू दे, तुझे ना मैं कैसे सलाखों के पीछे भेजती हूँ कि मैं और किसी लड़की की जिंदगी तो नहीं खराब होने दूंगी, इसको तो मैं देख लूंगी। सबसे बड़ी कमी पता कहाँ रह जाती है कि ना बच्चे ना तुम जैसे लोगों पे विश्वास कर लेते हैं, तुम लोग ना उन लोगों को घर वालों के खिलाफ भड़काते हो चलते हो। अब और नहीं, अब तेरी गुनाह की सजा ना तुझे आज ही मिलेगी। लखन, इसको लेके चलते हैं पुलिस स्टेशन, पब्लिक की अकल ठिकाने आएगी। चल।